हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने कैलकुलस का जो है एना डेरिवेटिव स्टार्ट कर रखा था, एक्सरसाइज 2.2। इसके कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चंस के सारे पार्ट जो ट्राई किए थे। आज हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। एना डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट इज वाई इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे आपको उसका एना डेरिवेटिव चाहिए। देन कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, वन प्लस कॉस 2x बाय 2। ठीक है, ये किस फॉर्मूले से डिराइव करते हो आप, कॉस 2x के फॉर्मूले से। कॉस 2x होता है हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ से हम कॉस स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, देन ये फॉर्मूला हमें मिलता है 1 प्लस कॉस 2x बाय 2। नाउ 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 कॉस 2x, y की वैल्यू आ जाती है। एना डेरिवेटिव निकालते हैं, हाफ इज अ कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव 0 प्लस हाफ कॉस 2x। इसको आप कंपेयर कीजिए, हमने एना डेरिवेटिव पढ़ा था, अगर y इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी हमें दे रखा है, तो एना डेरिवेटिव इसका क्या निकाला था हमने, कॉस ऑफ a रेज टू पावर n, a इज अ मल्टीपल ऑफ x। ठीक है, कॉस ए एक्स प्लस बी यानी जो भी एंगल होगा, प्लस n इंटू पाई बाय 2। जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना है वही पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एन माइनस वन एथ निकालेंगे, एन माइनस वन एथ आ जाएगा, एन एथ कर रहे हैं तो एन इंटू पाई बाय 2 आ जाएगा। यहाँ पे आपको चेक करना है, इससे कंपेयर कीजिए, ए की वैल्यू यहाँ पे है 2। ओके, जो मल्टीपल है वो इफेक्ट करता है, यानी एक्स का मल्टीपल यहाँ पे 2 है, इधर हमें ए चाहिए, तो ए इज अ 2, दिस इज 2 रेज टू पावर एन कॉस ऑफ 2x प्लस एन इंटू पाई बाय 2। ठीक है, दिस इज द एनर डेरिवेटिव ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट आपके पास गिवन है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स, वाई इक्वल टू दे रखा है आपको। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। एंड साइन क्यूब एक्स की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, साइन 3x का फॉर्मूला होता है हमारे पास, साइन 3x, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन साइन क्यूब एक्स आ जाएगा 1 बाय 4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। ओके, हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड एंड इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए और 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यूज़ करेंगे, हेयर दिस इज 1 बाय 4 साइन 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। ठीक है, इसको आप लिखेंगे 1 बाय 2 माइनस कॉस 2x बाय 2 प्लस 3 बाय 4 साइन एक्स माइनस 1 बाय 4 साइन 3x। ठीक है, नाउ वाई एन, एन का डेरिवेटिव निकालते हैं, हाफ का डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा, माइनस हाफ कॉस ऑफ, फिर से आप ये अप्लाई करोगे कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे एक्स का मल्टीपल चेक करते हैं, हियर इज एक्स मल्टीपल इज अ 2, दिस इज ये आ जाएगा यहाँ पे 2x प्लस एन इंटू पाई बाय 2 इंटू 2 रेज टू पावर n, जो इसका मल्टीपल होगा। ओके, प्लस ये क्वेश्चन अलग है, वाई एन हम यहाँ पे कर रहे हैं 3 बाय 4 साइन एक्स। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो x का मल्टीपल a, मीन्स a की वैल्यू है 1, दिस इज 3 बाय 4 1 रेज टू पावर n इंटू साइन ऑफ x प्लस एन इंटू पाई बाय 2 एंड माइनस 1 बाय 4 साइन, हेयर इज ए 3 एंड ए की वैल्यू 3, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूले में कंपेयर करते हैं 3 रेज टू पावर एन साइन ऑफ 3x प्लस एन इंटू पाई बाय 2, दिस इज द एन डेरिवेटिव ऑफ y। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, y n इक्वल टू माइनस 2 रेज टू पावर n एंड डिवाइड बाय 2, 2 रेज टू पावर n माइनस 1 कॉस ऑफ 2x प्लस एन इंटू पाई बाय 2। नेक्स्ट इज
वन रेज टू पावर एन वन ही रहेगा, 3/4 साइन ऑफ एक्स प्लस एन इंटू पाई बाय टू, एंड नेक्स्ट इज -1/4 3 रेज टू पावर एन इंटू साइन 3x प्लस एन इंटू पाई बाय टू। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास y इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स एज इट इज, इसको आप भी आपको सॉल्व करना है। कॉस 3x के फॉर्मूले से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉस 3x इज 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। एक कॉस क्यूब की वैल्यू अगर निकालेंगे देन कॉस क्यूब एक्स इक्वल टू 1/4 कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स। देन y हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ से, y इज इक्वल टू 1/4 कॉस ऑफ 3x प्लस 3 कॉस ऑफ एक्स। एंड डेरिवेटिव निकाल दीजिए, 1/4 कॉस 3x का हो जाएगा कॉस ऑफ 3x प्लस n इंटू पाई बाय टू इंटू 3 रेज टू पावर n प्लस 3 इंटू कॉस ऑफ x प्लस n इंटू पाई बाय टू। ठीक है, दिस इज द n डेरिवेटिव। इसको 1/4 से भी आप डिवाइड कर दो अलग अलग, ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट इज अ y इक्वल टू कॉस 4x एंड लास्ट इसके जो पार्ट है वो दे रखा है y इक्वल टू साइन रेज टू पावर 4x। इन दोनों में से मैं एक क्वेश्चन करवा देती हूँ आपको, एक एज इट इज करना है। जैसे हम कॉस के लिए अप्लाई करेंगे वही साइन 4 के लिए करना है। कॉस 4 पावर को आप लिखोगे स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, कॉस स्क्वायर x होता है 1 प्लस कॉस 2x बाय 2 एंड होल स्क्वायर। दिस इज 1/4 ए प्लस बी आइडेंटिटी अप्लाई कीजिए, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 2 कॉस 2x। ओके, 1/4 कॉस स्क्वायर 2x, स्क्वायर को आपको फिर से रिमूव करना है, देन 1 प्लस 2 कॉस 2x। ये स्टेप हम यहाँ ले लेते हैं, एंड कॉस स्क्वायर 2x को मैंने लिखा 1 प्लस कॉस 4x बाय 2, एंगल जो है वो डबल हो जाता है। ओके, दिस इज 1/4 मल्टीप्लाई ओपन कर लेते हैं, 1/4 प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 कॉस 2x प्लस 1/2 प्लस कॉस ऑफ 4x बाय 2। ठीक है, ये y की वैल्यू जल्दी थी, एंड डेरिवेटिव करेंगे, 1/4 इज अ कॉन्स्टेंट 0, हाफ ऑफ यहाँ पे कॉस 2x का करते हैं a इज अ 2, 2 रेज टू पावर n इंटू कॉस ऑफ 2x प्लस एन इंटू पाई बाय 2, एंड 1/2 का डेरिवेटिव फिर से 0 प्लस हाफ, यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो है 4, 4 रेज टू पावर n कॉस ऑफ 4x प्लस एन इंटू पाई बाय 2। ठीक है, दिस इज 2 रेज टू पावर n माइनस 1 कॉस ऑफ 2x प्लस एन इंटू पाई बाय 2 प्लस 4 रेज टू पावर n को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2n। ओके, 4 को मैंने ब्रेक किया 2 इंटू 2, 4 रेज टू पावर n को आप लिखोगे 2 रेज टू पावर 2 इंटू n, पावर की पावर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 रेज टू पावर 2n, तो यहाँ से आ जाएगा डिवाइड में 2 है तो 2 रेज टू पावर 2n माइनस 1 कॉस ऑफ 4x प्लस n इंटू पाई बाय 2। दिस इज द एनर डेरिवेटिव ऑफ कॉस रेज टू पावर 4x। एज इट इज आपको साइन के लिए करना है, साइन को भी स्क्वायर की पावर स्क्वायर करेंगे, एंड यहाँ से जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन 2x बाय 2, यहाँ पर आइडेंटी आप 1 माइनस ए माइनस बी की आइडेंटी अप्लाई करेंगे साइन के लिए, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे साइन स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी कॉस स्क्वायर, उसको फिर से ओपन करेंगे एंड एज इट इज आपको यहाँ पर ट्राई करना है। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट y इक्वल टू साइन क्यूब इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हम सॉल्व करेंगे साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस दिस आर मल्टीप्लीकेशन, एंड यहाँ से मैं 2 से डिवाइड और 2 से
डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिस इज साइन एक्स इंटू, ये हो जाएगा साइन 2x, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस, साइन ए इंटू कॉस ए, दिस इज साइन 2x डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर अलग अलग कर लेते हैं, ये आ जाएगा यहाँ से 1/4 साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर 2x फिर से आप अप्लाई कीजिए फॉर्मूला, साइन एक्स इंटू 1 माइनस कॉस 4x, एंगल का डबल हो जाता है, डिवाइड बाय 2। नाउ मल्टीप्लाई ओपन करेंगे, 1/2 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, एंड 1/4, दिस इज़ अ 1/8 साइन एक्स माइनस 1/8 साइन एक्स इंटू कॉस 4x, ठीक है। एंड यहाँ से हम जो फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू साइन ए कॉस बी, आप इसको लिख सकते हो 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, दिस इज 1/8 साइन एक्स माइनस 1/16 2 इंटू ग्रेटर एंगल कॉस का है तो कॉस को पहले ले लेते हैं, 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए यहाँ पे, माइनस 1/16 ये फॉर्मूला होता है आपके पास, कॉस साइन ऑफ ए प्लस बी 5x, ठीक है, माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी मीन्स 3x, ठीक है। ना हम एन डेरिवेटिव यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, yn अगर यहाँ से निकालते हैं, yn इज, आगे करवा देती हूँ, एन डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, देन 1/8 साइन एक्स, 1/8 साइन एक्स का हो जाएगा साइन ऑफ एक्स इंटू एन पाई बाय 2, बिकॉज यहाँ पे ए की वैल्यू साइन में जो मल्टीपल है एक्स का वो 1 है, 1^n इज 1, माइनस 1/16 ये आ जाएगा यहाँ से साइन 5x, हेयर ए इज अ 5, देन 5^n साइन ऑफ 5x प्लस n इंटू पाई बाय 2, एंड माइनस 3^n, यहाँ पे ए की वैल्यू x का मल्टीपल 3 है, साइन ऑफ 3x प्लस n इंटू पाई बाय 2, ठीक है, ये आपका आ जाएगा n डेरिवेटिव। एज इट इज ये भी करना है, यहाँ पे साइन और साइन की मल्टीप्लाई दे रखी है, देन y इज इक्वल टू, y इक्वल टू 2 से आप डिवाइड करेंगे एंड 2 से मल्टीप्लाई, साइन 2x इंटू साइन 3x, ठीक है, 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड बाद में n डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। देन इसको आप लिख सकते हो 1/2 2 इंटू साइन 3x इंटू साइन 2x, फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 कॉस ऑफ ए माइनस बी यानी कि x 3x माइनस 2x माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, माइनस या तो आप माइनस कॉमन निकाल लीजिए, पहले माइनस कर लीजिए, ए प्लस बी इज अ 5, देन एन डेरिवेटिव निकालते हैं, yn इज अ 1/2 कॉस ऑफ एक्स प्लस एन इंटू पाई बाय 2 माइनस कॉस 5x 5^n कॉस ऑफ 5x प्लस एन इंटू पाई बाय 2, दिस इज द एन डेरिवेटिव। फोर्थ का फिफ्थ पार्ट, y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x, आप इसका एन डेरिवेटिव निकालेंगे, देन इसको जो है पहले आपको सिंप्लीफाई कीजिए 2 स्टेप्स को लेके एंड यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे साइन 3x इंटू साइन 2x, एंड साइन x को रखते हैं आउटसाइड, दिस इज 1/2 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस सॉरी साइन बी इज अ कॉस ऑफ ए माइनस बी, साइन 3x माइनस 2x इज x माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी 5x इंटू साइन एक्स, 1/2 मल्टीप्लाई कर लीजिए कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस
कॉस ऑफ 5x इंटू साइन एक्स, फिर से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं 1/2, 2 से डिवाइडेड मल्टीप्लाई, दिस इज हाफ, जो डिवाइड वाला 2 उसको आप बाहर ले लीजिए, 4 हो जाएगा, 2 इंटू साइन इंटू कॉस भी दिस इज साइन 2x माइनस 2 इंटू कॉस इंटू साइन भी, ए प्लस बी, 5x प्लस 6x इज, सॉरी 5x प्लस x इज 6x माइनस साइन ए माइनस बी इज 4x, ठीक है, बाहर हमारे पास माइनस चल रही है, एंड ओपन करेंगे तो 1/4, एन डेरिवेटिव निकाले दीजिए यहाँ से, ये y आ गया हमारा, साइन 2x ये आ जाएगा 2 raised to power n साइन इंटू 2x प्लस n इंटू 5/2 माइनस साइन 6x, 6 raised to power n साइन ऑफ 6x प्लस n 5/2 एंड माइनस एंड माइनस प्लस 4 raised to power n साइन ऑफ 4x प्लस n इंटू 5/2, ठीक है, दिस इज द अनदर डेरिवेटिव। तो अगर मल्टीप्लाई में 3 आपके पास टर्म्स हैं तो आप 2 को पहले सॉल्व कीजिए फिर 3rd को, इसका जो 6th पार्ट है एज इट इज वो कॉस में दे रखा है और इसी तरह से आपको उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन 5th दे रखा है आपके पास और इसके 6 पार्ट आपको गिवन है, एंड यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन फर्स्ट e raised to power ax cos bx, इसका आपको अनदर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ये मैं आपको लेक्चर 4th में करवा चुकी हूँ, तो ये लेक्चर करने से पहले आप 4th लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, अगर वो बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप एक्सरसाइज ईजिली कर पाएंगे, ठीक है। 4th लेक्चर में सारे डेरिवेशन करवा रखे हैं मैंने, फर्स्ट में जो दे रखा है ये हम कर चुके हैं इन 4th लेक्चर, ये आर्टिकल आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा इसका, एंड जो सेकेंड एंड थर्ड पार्ट है, सेकेंड और थर्ड पार्ट अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देखिए इनमें डिफरेंस क्या है, लास्ट के 3 पार्ट्स एंड सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट भी आर्टिकल ही है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों आपको करने हैं आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे कॉस एक्स जो आपके जस्ट लीनियर पावर में दे रखा है, यानी साइन की पावर 1 कॉस की पावर 1, जैसे यहाँ पे साइन इंटू कॉस दे दिया, इसको सिंप्लीफाई करके हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पे आपके पास रूट 3x यानी x का मल्टीपल दे रखा है, अगर x का मल्टीपल 1 होगा तो एज इट इज़ आर्टिकल के अकॉर्डिंग आपको इसको सॉल्व करना है। इनमें से तीनों में से मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देती हूँ, साइन का हम कर चुके हैं, कॉस का देख लीजिए, अगर सेकेंड पार्ट करवा रही हूँ, y इक्वल टू ई रेज टू पावर x cos ऑफ x, ये आपके पास गिवन है, आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लीजिए, ई रेज टू पावर x इंटू माइनस ऑफ साइन x प्लस ई रेज टू पावर x cos x एज इट इज, हमने इसका u इंटू v डेरिवेटिव अप्लाई किया एंड ये बन गया आपके पास माइनस 1 ई रेज टू पावर x कॉमन, e raised to power x कॉमन ले लीजिए, e raised to power x कॉमन ले लेते हैं, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, e raised to power x कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स। अब जो हमने आर्टिकल किया था e raised to power ax इंटू साइन बी एक्स का, अगर यहाँ पे साइन है, जैसे कि थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है साइन x, ठीक है, अगर यहाँ पे साइन एक्स दे रखा है तो हम फॉर्मूला यहाँ पे बनाते हैं साइन ए प्लस बी, और अगर कॉस है तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला बनाना है कॉस ऑफ ए प्लस बी, कैसे, कॉस का मल्टीपल 1 इंटू लिख सकते हैं हम, 1 को मैंने लिखा आर कॉस थीटा एंड ये 1 ले लेते हैं आर साइन थीटा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे देन 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर इक्वल टू रूट 2 एंड डिवाइड करेंगे, दिस डिवाइड बाय दिस, दिस इज द tan थीटा इक्वल टू 1 एंड थीटा इक्वल टू 5/4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए y1 की वैल्यू क्या आ जाती है, y1 इक्वल टू e raised to power x एंड यहाँ पे जो हमने 1 को रखा है r cos थीटा, r cos थीटा एंड माइनस यहाँ पे रखा है, अच्छा cos x भी है मल्टीप्लाई में, दिस इज cos x माइनस r sin थीटा इंटू साइन एक्स, आर कॉमन आ जाएगा, आर हम कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी माइनस साइन एक्स इंटू साइन बी, ये होता है कॉस ए प्लस बी फॉर्मूला, अगर यहाँ पे साइन है
जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में है, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे साइन ए प्लस बी का। तो इस तरह से कॉन्स्टेंट्स को पुट करना है कि आर कॉस थीटा हम यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये कॉस का फॉर्मूला होता है। और साइन में फॉर्मूला क्या होता है साइन ए प्लस बी का, साइन ए इंटू कॉस बी एंड कॉस ए इंटू साइन बी। तो इसको आप कॉस लेके चलेंगे और यहाँ पे आप साइन लेके चलेंगे, अगर यहाँ पे साइन दे रखा है तो ठीक है, बाकी एज इट इज है जैसे भी आप कर रहे हो। ई रेज टू पावर एक्स, दिस इज बिकम्स कॉस ऑफ थीटा प्लस एक्स, लिख सकते हैं हम ठीक है। ये आ गया हमारे पास वाई वन, वाई टू निकालते हैं, आर इज अ कॉन्स्टेंट, ई रेज टू पावर एक्स इसका डेरिवेटिव करेंगे यही आएगा, कॉस थीटा प्लस एक्स एज इट इज ले लेते हैं, प्लस ऑफ ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा माइनस साइन थीटा प्लस एक्स। ओके, यहाँ से फिर से हमें वही लेके चलना है, ई रेज टू पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, ये हमने कॉमन ले लिया ई रेज टू पावर एक्स, इसका मल्टीपल वन, इसका भी मल्टीपल वन, फिर से वन को पुट करेंगे आर कॉस थीटा एंड वन को आर साइन थीटा। यहाँ पे जैसे यहाँ पर रखेंगे आर इज टू पावर ई रेज टू पावर एक्स, आर फिर से कॉमन आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस एक्स माइनस साइन ऑफ थीटा इंटू साइन थीटा प्लस एक्स। ओके, दिस बिकम्स आर स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स, दिस इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, देन कॉस ऑफ थीटा प्लस एक्स। ओके, एंड आर स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स कॉस ऑफ टू थीटा प्लस एक्स, ये आ जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव। वन की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है वाई टू की दिस, अब हमें चाहिए वाई एन, कंटिन्यूइंग लाइक दिस वाई एन इज इक्वल टू आर इज टू पावर एन हो जाएगा, बिकॉज सेकेंड डेरिवेटिव में आर स्क्वायर आ रखा है, आर इज टू पावर एन ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज कॉस ऑफ एक्स। तो दोनों में देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव में भी एक्स एंड एक्स सेम आ रहा है, चेंज हो रहा है थीटा, नेक्स्ट टाइम टू थीटा, थर्ड टाइम करेंगे डेरिवेटिव देन थ्री थीटा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस एन इंटू थीटा। ठीक है, आर की वैल्यू रख दीजिए, आर इज अ रूट टू, देन वाई एन इज इक्वल टू रूट टू रेज टू पावर एन ई रेज टू पावर एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस थीटा की वैल्यू, थीटा इज अ पाई बाय फोर एन इंटू पाई बाय फोर। ठीक है, टेन इनवर्स यहाँ पे वन करेंगे पाई बाय फोर आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हो टू रेज टू पावर एन बाई टू ई रेज टू पावर एक्स कॉस ऑफ एन एक्स प्लस एन इंटू पाई बाय फोर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, एज इट इज आपको साइन एक्स वाला करना है, जो आपके पास साइन एक्स दे रखा है बिल्कुल ऐसे ही चलोगे, ई रेज टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स डेरिवेटिव करोगे, तो यहाँ से कॉस का फॉर्मूला बनाया हमने, यहाँ पे हम साइन का फॉर्मूला बनाएंगे, इतना चेंज है। जो मैंने आर्टिकल करवा रखा है साइन का, आप फोर्थ लेक्चर में वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं, उसी प्रोसीजर से आपको ये करना है। फोर्थ क्वेश्चन जो दे रखा है यहाँ पे, फोर्थ को आपको कैसे सॉल्व करना है, देखिए वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स, यहाँ पे जो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दे रखा है, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मीन्स इसको हम कर लेते हैं टू से डिवाइड एंड टू से मल्टीप्लाई, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, ई रेज टू पावर एक्स वन बाय टू, ये बन जाएगा साइन टू एक्स। ओके, अब इस यहाँ पे आप डायरेक्ट एन एथ फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वाई एन वन बाय टू ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स का फॉर्मूला, जो भी आर्टिकल से है जैसे कॉस बी एक्स का है, ऐसे साइन बी एक्स का फॉर्मूला है, वहाँ से आप देखेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए आपको कंपेयर करना पड़ेगा। हमने पढ़ा था वाई एन, अगर वाई आपके पास गिवन है ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू, ये साइन में दे रखा है तो यहाँ पे हमारे पास साइन बी एक्स प्लस सी या साइन बी एक्स इस तरह से मिल सकता है, बी एक्स प्लस सी भी मिल सकता है। ठीक है, तो इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हमें फॉर्मूला मिलेगा डायरेक्ट वाई एन इज इक्वल टू ई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए इज जो ई रेज टू पावर में एक्स का मल्टीपल होगा एंड बी इज अ साइन का जो एंगल है वहाँ पे एक्स का मल्टीपल, पावर एन बाय टू ई रेज टू पावर ए एक्स एज इट इज एंड साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस एन इंटू टेन इनवर्स बी बाई।
ये होता है एन दैट डेरिवेटिव ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी का, ठीक है। यहाँ से कंपेयर करेंगे देन यहाँ ई की पावर ए एक्स, ई की पावर ए एक्स, ई की पावर एक्स, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन, एंड साइन टू एक्स, बी की वैल्यू यहाँ पे टू, एक्स का मल्टीपल इज अ टू, ठीक है। एडिशन वाले से कोई मतलब नहीं है, साइन एक्स बी एक्स प्लस सी, जो यहाँ पे ओनली हमें एंगल लिखना है जो एंगल हमें गिवन होगा, ठीक है। अब यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, स्टार्टिंग में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स वन वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर रेज टू पावर एन बाय टू, ई रेज टू पावर ए एक्स मीन्स ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज, साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी मीन्स जो भी एंगल आपको गिवन होगा, हमें यहाँ पे टू एक्स एंगल गिवन है, टू एक्स प्लस एन इंटू टेंजेंट इनवर्स बी बाई ए मीन्स टू बाई वन, ठीक है। ये आ जाएगा हाफ ऑफ वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर इज अ फाइव, फोर प्लस वन फाइव रेज टू पावर एन बाय टू, ई रेज टू पावर एक्स, साइन ऑफ टू एक्स प्लस एन इंटू टेन इनवर्स टू, ठीक है। तो ये बन जाएगा इसका एन एट डेरिवेटिव। एंड जो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, फिफ्थ इज वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर टू एक्स साइन ऑफ रूट थ्री एक्स। यहाँ से कंपेयर करेंगे ई रेज टू पावर ए एक्स, ई रेज टू पावर टू एक्स, ए की वैल्यू टू एंड बी इज रूट थ्री एज इट इज़। यहाँ पे आप निकाल सकते हैं वाई एन ए स्क्वायर प्लस रूट थ्री स्क्वायर रेज टू पावर एन बाय टू इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स मीन्स टू एक्स इंटू साइन ऑफ रूट थ्री एक्स जो भी एंगल गिवन होगा प्लस एन इंटू टेन इनवर्स बी बाई ए मीन्स रूट थ्री बाय टू। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, फोर प्लस थ्री सेवन रेज टू पावर एन बाय टू ई रेज टू पावर टू एक्स साइन ऑफ रूट थ्री एक्स प्लस एन इनवर्स रूट थ्री बाय टू एज इट इज, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास फिफ्थ पार्ट। एंड जो सिक्स पार्ट दे रखा है दिस इज, इसको आप सॉल्व करेंगे, ये y की दे रखी वैल्यू ई रेज टू पावर एक्स साइन क्यूब एक्स, देन इसको आपको लीनियर बनाना पड़ेगा, साइन क्यूब एक्स को यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा। ई रेज टू पावर एक्स साइन क्यूब को आप क्या लिखेंगे, वन बाय फोर साइन थ्री एक्स के फॉर्मूले से हम निकालते हैं थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स, ये जो क्वेश्चन है ये अलग है एंड दिस इज ये अलग है, ठीक है। हम कर रहे हैं सिक्स्थ पार्ट ई रेज टू पावर एक्स साइन क्यूब एक्स, यहाँ पे हमने साइन क्यूब एक्स की वैल्यू रखी साइन थ्री एक्स के फॉर्मूले से, ठीक है। वन बाय फोर ई रेज टू पावर एक्स के मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज थ्री, वन बाय फोर को भी अंदर ले लेते हैं, ये हो जाएगा थ्री बाय फोर ई रेज टू पावर एक्स साइन ऑफ एक्स माइनस वन बाय फोर, वन बाय फोर ई रेज टू पावर एक्स साइन थ्री एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो प्लेसेस पे यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, कंपेयर करिए यहाँ से, और ये फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई करना है एंड यहाँ पे भी अप्लाई करना है, देन सिंप्लीफाई। तो इस तरह से यहाँ जो ये क्वेश्चन है यहाँ पे सिंप्लीफाई करना पड़ता है, तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। और अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सिंपल कॉस एक्स और साइन एक्स दे रखा होता है तो आपको डेरिवेशन करके यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। देन आज के लेक्चर में हम इतना ही ट्राई करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे, तब तक आप इसको ट्राई कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।